नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉली गुरुजी में। संधारित्र की धारिता क्या होता है? तो संधारित्र की धारिता जो है वो मतलब कि कितना, जैसे कि अभी हमने पिछले में दिखाया था कि आपको तीन प्रकार का संधारित्र होता था, एक सिलिंड्रिकल, एक पैरेलल और एक जो है वो स्फेरिकल। तो सिलिंड्रिकल में दो थे ना, दो बेलनाकार, एक अंदर था एक बाहर था, तो उनके बीच का विभवांतर और किसी एक अंदर वाले प्लेट नहीं तो बाहर वाले प्लेट पे जितना आवेश आप इकट्ठा करेंगे वो, या वो आप आवेश देंगे वो, जितना वो आवेश एकत्रित करेगा वो, तो फिर देख लीजिए जरा उन दोनों के अनुपात को ही जो है कि संधारित्र की धारिता कहते हैं। अर्थात यहाँ देख लीजिए, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। कितना हमने आवेश दिया उसे, क्यू। कितना उसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ, भी। तो यही C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ही क्या कहलाता है, तो संधारित्र की धारिता कहलाता है। यही जो है संधारित्र की धारिता कहलाता है। ये संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला जो कारक है वो ये है कि प्लेटों के क्षेत्रफल, अर्थात जो प्लेट हमने बनाया था दो समांतर वाले में, जो दो प्लेट बनाया था ना, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अर्थात C समानुपाती A। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इसकी संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ेगा। दूसरा जो कारक है वो दूसरा कारक है कि उनके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात मान लीजिए कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, तो d, तो ये हो जाएगा ऐसे c समानुपाती 1/d, या इसी को समानुपाती नहीं कहेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं कि 1/d। तीसरा जो कारक होता है वो तीसरा कारक ये है कि प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात उसका माध्यम जैसा होगा वैसा ही संधारित्र की धारिता होगी, अर्थात उसके माध्यम के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो ये था संधारित्र और संधारित्र की धारिता। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।